अनुरोध करी श्री पटायत साहू को से आसवे और अभिभाषण रखिए सफलतार कहानी कहे श्री पटायत साहू पद्मश्री श्री पटायत साहू उपस्थित सम्मानीय मंचासीन अतिथिवृंद तथा उत्कल कृषक समाज और जो मैंने कृषि करी कर सरकार जो दक्षता हासिल कर विशेष विशेष धन्यवाद आ आमर जो मैंने ये समय बाबदर जो प्रश्न उठाई मुझे दिने जड़े समवाय पेक्स जे छोट कर्मचारी थी जेहेतु से ही पेक्स मानक आम कौ प्रकार उन्नति करें कौ प्रकार चाषी ऋण देखिए चाष उन्नति करूँ कितु मु आज अवसरप्राप्त सात आठ वर्ष हो गला जेहेतु वर्तमान आम देश गोटे आदिवासी बहुत अंचल कह अत्युक्ति हेना जीत बन बण पर्वत पहाड़ घेरा तो एठाकर माटी बहुत उर्वर आम जदि चाहिबा ताले बहुत उन्नत सुस्वादु किसम खाद्य आम उत्पादन करी मु गोटे उदाहरण देवी तो यही भुवनेश्वर एरिया जड़े कर्मचारी आम कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट जुनाड़ ब्लक सरकार कर्मचारी हिसाब से एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट चाकरी करते से मत थे कहले भुवनेश्वर जे कलाहांडी एमती उर्वर माटी गुड़ाक अच्छी तो सेठी जो खाद्य शस्य उत्पादन होता सुस्वादुकर खाद्य मिलवा बहुत कष्टर जेहेतु से आम कलाहांडी धान अमल होलापर आम बिना जलसेचन मुग चाष कर मुग एमती मान सुस्वादु होता ताकू जदि रांधिक रखिदेवे दस पंद्रह मिनट जब क्षीर में जो सर पड़े सेमती सर पड़ूला यह जो उन्नत मान जिनस गुड़ाक एवं आम चेषा करेतु आज आम जो कपड़ा पिंचु ये विष अच्छी जो खाद्य शस्य से विष अच्छी डाली विष अच्छी युवाक परिहार नक ताहले आउ देश आउ बहुत खराब स्थान को गति कर आजिकल जो आम पा व्यवहार करूचु से पाटा द्रवण से विषाक्त तो होलापर विभिन्न महामारी रोग सृष्टि होेतु से रोगपाई आम देश में जो जन्म ही जो जलवायु आम बढ़ीचु से रोग को कंट्रोल करने आम पाखरे पूर्व काल रही आई जो परंपरा स्तर में आग का लोक व्यवहार करूले जेहेतु आज कल जो प्रकार मेडिसिन व्यवहार है जे अन्न दौर को मटी मातार तार सुरक्षा कर पार न तो ताकू जदि आम विषमय करदे ताहले समग्र भारत वर्ष जो प्रकार आग को विपद को ठेली गला तो ताकु एबेठु जदि आम सतर्क न होबा ताहले भारत जो प्रकार माने समस्या सुनिबा को मिलुची तो आमको एबेठु सचेतन होबा को पड़िबो सतर्क होबा को पड़िबो जेहेतु ए जो रासायनिक जिनिस द्वारा जो जिनिस गुड़ाक चासरे प्रयोग करा जाउची किंतु आम जैविक पद्धति जदि अवलम्बन करिवो एही महामारी रोग आमको सहजे छुई पारिबो नाही जेहेतु आमर देहर रोग निरोधक शक्ति बर्तमान माटी अशुद्ध होवार संपूर्ण भाव आमको कौन सी रोग जदि आस रक्षा करने को आम पाखे कौन सी रक्षाकारी सूत्र किंबा कौन सी औषध से समय काम दबने जेहेतु कहीं मुझे आखिरे देखला गोटे कथा कह आजिकल कपा चाष करा से माने आमर जो हरड़ हरड़ चाष कर तो कपारे जो प्रकार माने पोकमरा औषध प्रकार प्रयोग करा तो से जो हरड़ चाष करा
ତାଦ୍ୱାରା ସେ ହରଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ହୋଇଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ କପା ଚାଷୀର ତାଠୁ ଆମେ ହରଡ଼ କିଣି ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ହରଡ଼ ଡାଲି କରିକିରି ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନେଇ ତା ଦେହ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଗଲା ଫୁଟକା ଫୁଟକା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଗଲା ବେଳେ ସେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଦେଶ ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆମର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଯେଉଁଦିନ ଚାଷୀ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷେକର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଦିନରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ତାକୁ ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ତାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଣୁକରି ବାହାରୁ ଅନେକ ଆମର ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପେଶାଳି ମଧ୍ୟ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମତେଇବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଯଦି ଏଇ ରାସାୟନିକକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାର କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କାରଣ ତ ଏଇଠି ଆଗ ଆଗ କାଳରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ 150-200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆଜି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ପବନ ଜଳବାୟୁ ସବୁ ବିଷାକ୍ତମୟ ହେଇଯାଇକି ଯେଉଁ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଉନି ଏଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କିମ୍ବା ଚେରମୂଳ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏଇଟା ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏଣୁକରି ମୁଁ ତ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ କିଛି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।